अस्सलाम वालेकुम। तो अब नए लेक्चर के साथ फिर से एक बार फिर हाजिर। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कंटिन्यूटी की, फंक्शंस की के, और हमने डिफाइन किया था कि कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है, और उसको डिफाइन किया था इन टर्म्स ऑफ लिमिट्स बेसिकली, जो हम अभी तक देख चुके हैं। तो वो सब तो होपफुली क्लैरिफाई हो गया होगा। आज का लेक्चर का टॉपिक है कंटिन्यूटी ही है बेसिकली ऑफ सर्टन फंक्शंस। यानी पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि कंटिन्यूटी ऑफ रैशनल फंक्शंस वगैरह देखी थी, पोलिनोमियल्स के बारे में देखा था। अब हम बात करेंगे इस लेक्चर में अबाउट द कंटिन्यूटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, आई होप आपको याद होगा एलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री, आप लोग जब पहले पढ़ी होगी। तो आई थिंक वी आर ऑल फेमिलियर विद दीज फंक्शंस। साइन ऑफ एक्स मिसाल के तौर पे एफ ऑफ एक्स इक्वल साइन एक्स, दैट्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कोसाइन एक्स हो गया, जिसे हम कॉस एक्स भी कहते हैं, दैट्स अनदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसके अलावा टेंजेंट एक्स, टेन एक्स जिसे कहते हैं, कोसेकेंट एक्स हो गया, और सेकेंट एक्स वगैरह। सो दीज आर बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दैट वी विल बी लुकिंग एट इन दिस लेक्चर, एंड वी विल बी लुकिंग एट देम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ देयर कंटिन्यूटी। ये बात करेंगे कि ये फंक्शंस कंटिन्यूस हैं और कहाँ पे हैं, कैसे हैं, इनकी क्या बिहेवियर है वगैरह वगैरह। तो ये आज के लेक्चर में बात करते हैं। तो थोड़ा सा इसको फॉर्मलाइज कर लेते हैं, लेट्स पुट इट ऑन द स्क्रीन व्हाट वी विल बी टॉकिंग अबाउट टुडे। आज बेसिकली द लेक्चर विल बी अबाउट लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इनके बारे में सबसे पहले तो हम देखेंगे कंटिन्यूटी ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शंस, बेसिकली बेसिक फंक्शंस हैं ट्रिग्नोमेट्री के। इसके अलावा कंटिन्यूटी ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखेंगे, यानी टेंजेंट वगैरह, सीकेंट, कोसीकेंट वगैरह। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम देखेंगे, स्क्वीजिंग थ्योरम, या जिसे हम स्क्वीज थ्योरम भी कहते हैं। इसको इस्तेमाल करेंगे टू प्रूव सम लिमिट्स, सर्टेन काइंड ऑफ लिमिट्स। और इसके अलावा फिर आखिर में एक छोटा सा टॉपिक होगा बिल्कुल, इन विच वी विल लुक एट लिमिट्स ऑफ साइन एंड कोसाइन एज एक्स गोज टू प्लस और माइनस इन्फिनिटी। यानी जो बाकी जो हम पहले देखेंगे कॉन्टिन्यूटी वगैरह, उसमें हम ज़ाहिर है लिमिट देखेंगे, लिमिट इन्वॉल्व होगा इन टर्म्स ऑफ एक्स, और एक्स बेसिकली अप्रोचिंग सम नंबर, फाइनाइट नंबर। यहाँ आखिर में हम देखेंगे लिमिट्स ऑफ साइन एंड कोसाइन एज एक्स एंड एक्स गोज टू पॉजिटिव और माइनस इन्फिनिटी। तो ये बेसिकली आज की टॉपिक्स है, डिटेल्स में इनके बारे में बात शुरू करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट टॉपिक, यानी जो पहले था हम देखते हैं कंटिन्यूटी ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शंस। तो इससे पहले कि हम इनकी कंटिन्यूस बिहेवियर की बात करें या कंटिन्यूटी की बात करें, लेट्स टॉक अबाउट, वेल लेट्स सी इफ यू, लेट्स रिकॉल बेसिकली कि साइन और कोसाइन होते क्या है असल में। लेट्स गो टू द स्क्रीन। यहाँ पे देखिए कि बेसिकली जो साइन और कोसाइन फंक्शंस की जो हम बात कर रहे हैं, तो इससे पहले कि इनको हम फंक्शंस के तौर पर डिफाइन करें, लेट्स रिकॉल व्हाट साइन एंड कोसाइन एक्चुअली रिप्रेजेंट, यानी इनका ज्योमेट्रिक अंडरस्टैंडिंग क्या है। अगर आपको याद हो और रिकॉल कर लीजिए अभी, आपकी जो टेक्स्ट बुक है, बल्कि उसके अंदर एक अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स बी, उसमें ये डिटेल्स दी हुई हैं कुछ साइन और कोसाइन के बारे में, वो भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन इसके अलावा हम यहाँ पे बात कर रहे हैं साइन और कोसाइन की। तो अगर ये बेसिकली डिफाइन होती हैं ये दोनों रेशियोज इन टर्म्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल, और ये रेशियोज होती हैं ऑफ इन टर्म्स ऑफ दे आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ द एक्यूट एंगल ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल एंड द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। सो बेसिकली वी हैव अ पिक्चर हेयर, वी हैव अ राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ पे इसका राइट ट्राइंगल राइट एंगल है 90 डिग्रीज का, इसके अलावा एक और से छोटा एंगल है थेटा, और यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं साइन थेटा इज इक्वल टू द ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाई द हाइपोटेनस, और कोसाइन थेटा जिसको हम डिफाइन करेंगे, जिसको हम कहते हैं कॉस थेटा, ये है जनाब एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस। तो ये ऑपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड और ये हाइपोटेनस क्या चीज़ें हैं, ये यहाँ पे ट्रायंगल में आपके सामने जो मैंने पिक्चर बनाई थी इसमें लिखी हुई हैं। ऑपोजिट साइड जो होती है वो जो एंगल थेटा है उसके ऑपोजिट वाली साइड है, ऑब्वियसली दैट्स व्हाट इट मींस टू बी एन ऑपोजिट साइड। एडजेसेंट साइड जो है वो वाली साइड है जो थेटा की बेस पे होती है, यानी इट्स अ बेस इन अ सेंस, कभी कभी इसको बेस भी कहते हैं। हाइपोटेनस जो होती है ये तीसरी साइड होती है। तो यहाँ पे ये नोट करें कि दिस इज बेसिकली ये तीनों साइड्स जो हमने डिस्कस की, दीज आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द पाइथागोरन थ्योरम, जिसको हम प्रूव कर चुके हैं एक दफा। तो ये आपका बेसिक डेफिनेशन है साइन कोसाइन वगैरह की, ये रेशियोज होती हैं बेसिकली वी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ एन एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल एंड द साइड्स ऑफ दैट
right angle triangle. So this is the classic, this is the beginning, I guess, in a sense you can say. Yeah, these are the definitions of these ratios or these terminologies, ye jo sine or cosine hum kehte hain. To ab inka hum function bhi banayenge aage chalke, to kaise banega wo dekhte hain. Lekin let's go back to the screen and talk some more about these things. ये देखिए कि अच्छा यहाँ पे जो बात की हमने कि रेशियोस को हम ये जो हमने डिफाइन की थी साइन थीटा कोसाइन थीटा, इनको हम फंक्शंस के तौर पे देखेंगे. तो इसमें इनका कैसे इनको फंक्शंस बनाएंगे. वेल सबसे पहले तो ये कि यहाँ पे जो थीटा एंगल इन्वॉल्व है इसको हम डिग्रीज की बजाय, जो हम स्टैंडर्ड डिग्री मेजर होता है एंगल का, उसकी जगह हम एंगल्स को लेंगे रेडियंस में. ये मैं पहले भी एक दफ़ा बात कह चुका हूँ कि रेडियंस जो हैं आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि पाई रेडियंस इक्वल्स 180 डिग्रीज. ये आपके ऊपर है कि आप ये खुद ही रीडिस्कवर कर लें कि इसका क्या मानी है पाई रेडियंस इक्वल्स 180 डिग्रीज का. और यहाँ पे थेटा की जगह हम अब एक्स का वेरिएबल इस्तेमाल करेंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता थेटा हो या एक्स हो. और उसके अलावा ये यहाँ पे एक पिक्चर मैं बना के दिखाता हूँ आपको. हियर इज़ अ पिक्चर दैट शोज द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स साइन एक्स. तो ये आपका फंक्शन हो गया. और साथ में एक यहाँ पे एक पिक्चर है जिसपे आप देखिए कि यू हैव ए सर्कल एंड ए राइट एंगल ट्राइंगल एंड द रेशियो साइन थीटा इन दिस पिक्चर. एंड नोटिस हाउ वी कैन अनरेवल दिस पिक्चर एंड गेट द फर्स्ट वन. यानी बेसिकली जो हमने ग्राफ बनाया था साइन एक्स का, वो इस सेकेंड पिक्चर से हम कंक्लूड कर सकते हैं. तो ये थोड़ी सी इंट्रोडक्शन हो गई, बेसिकली रिव्यू हो गया कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं. यू हैव योर बेसिक आइडियाज, यानी रेशियोज थी बेसिकली, एंड नाउ यू हैव कन्वर्टेड देम इनटू फंक्शंस. और अब फंक्शंस के तौर पे हम इनको व्यू करेंगे. इनकी डोमेन वगैरह भी होती है, वो भी अपेंडिक्स में दी होगी आपकी टेक्स्ट बुक में, और यू कैन फाइंड आउट बाय योरसेल्फ. टेक एनी रेगुलर एलजेब्रा टेक्स्ट बुक या ट्रिग्नोमेट्री की एंड यू विल फाइंड इट देयर. अब हम इनकी एज फंक्शंस इनको स्टडी करते हैं. And let's see what we can say about them in terms of continuity. यानी basic हमारा focus जो होगा वो continuity के ऊपर होगा कि इन functions की continuity क्या है. यानी बाकी properties तो हम assume कर रहे हैं कि आप जानते हैं already या जान लेंगे खुद ही जल्दी से review करके. हम ये देखेंगे कि इनकी continuity के बारे में क्या कहा जा सकता है. तो आइए चलते हैं इसके बारे में बात करते हैं आगे. Let's go to the screen. अच्छा यहाँ पे screen पे मैं एक कुछ limits लिखता हूँ और इनको जस्टिफाई करने के लिए आप ग्राफ दे सकते हैं साइन एक्स और कोसाइन एक्स का. तो उनका ग्राफ बल्कि स्टडी करेंगे और ये लिमिट जो मैं लिख रहा हूँ देखेंगे आप, तो आप कन्विंस हो जाएंगे कि ये लिमिट्स एक्चुअली ट्रू हैं. तो पहला लिमिट तो जो इक्वेशन में लिख रहा हूँ वो ये है कि लिमिट एज एक्स गोज टू जीरो ऑफ साइन ऑफ एक्स यानी साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो. एंड और दूसरी वाली जो है वो है जनाब लिमिट एज एक्स गोज टू जीरो कोसाइन एक्स इक्वल्स वन. तो ये मैंने दो लिमिट्स लिखे हैं, वेरी बेसिक एलिमेंट्री लिमिट्स. और यहाँ पे मैंने कौन सी अप्रोच इस्तेमाल की, मैंने इंट्यूटिव अप्रोच इस्तेमाल की है. यानी मैंने ग्राफ देखा और कंक्लूड किया कि ये लिमिट जो वैल्यूज मैंने लिखी हैं ये सही हैं. एंड दे आर एक्चुअली, आई मीन वी कैन आई विल टेल यू दैट, टेक इट फॉर ग्रांटेड. लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ा इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज जो होगी आपके लिए स्टूडेंट्स वुड बी टू ट्राई टू प्रूव दीज लिमिट्स यूजिंग द एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशंस ऑफ लिमिट्स, यानी जो हमने देखी थी कुछ लेक्चर्स पहले, बल्कि सेक्शन 2.6 है आपकी बुक में, उसकी डेफिनेशन इस्तेमाल करके यू शुड ट्राई टू प्रूव दीज थिंग्स. इट विल बी अ गुड एक्सरसाइज, यानी उससे आपकी लिमिट्स की अंडरस्टैंडिंग तो डेफिनेटली बहुत बेहतर तौर पर डेवलप हो सकेगी. तो लेकिन हम यहाँ पे इसको फिलहाल फॉर ग्रांटेड लेते हैं इंट्यूटिव अप्रोच के जरिए कि भाई ये लिमिट्स जो हैं ये सही हैं और इन लिमिट्स को हम बेसिस के तौर पर इस्तेमाल करेंगे एंड विल यूज दीज टू प्रूव सर्टन थिंग्स. सो लेट्स मूव ऑन. अच्छा यहाँ पे एक चीज़ कुछ और नोट करने की, वो ये है कि साइन ऑफ ज़ीरो है, अगर एक्स की वैल्यू मैं ज़ीरो देता हूँ और साइन अवेल्यूएट करता हूँ एट एक्स इक्वल ज़ीरो, तो रिजल्ट क्या आता है ये आप कैलकुलेटर में पंच इन करके देख लें. यानी बेसिकली मैं ये देख रहा हूँ कि एक्स की वैल्यू ज़ीरो रेडियंस अगर है तो व्हाट हैपेंस टू द कॉरस्पॉन्डिंग वाई वैल्यू. कैलकुलेटर में पंच इन कर लीजिए या आप ग्राफ स्टडी कर लें इसका, तो ऑब्वियस सी बात होगी कि साइन ऑफ ज़ीरो विल बी ज़ीरो एंड कोसाइन ऑफ ज़ीरो विल बी वन. तो ये दो और वेरी एलिमेंट्री वो हैं फैक्ट्स जो मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे भी लिखूंगा अभी थोड़ी देर में और जो आपको मैंने बताया. और इनको इस्तेमाल करते हैं हम क्या कह सकते हैं. वेल लेट्स लुक एट द स्क्रीन. यहाँ पे नोट कीजिए कि ये जो वैल्यूज हैं साइन ऑफ जीरो इक्वल्स जीरो और कोसाइन ऑफ जीरो इक्वल्स वन,
तो ये वही वैल्यूज हैं जो लिमिट्स में भी आई थी थोड़ी देर पहले जो मैंने लिखा था. सो बेसिकली अब मैं ये लिख सकता हूं कि द लिमिट एज एक्स गोज टू जीरो ऑफ साइन एक्स इक्वल्स साइन ऑफ जीरो. और इन अदर वर्ड्स अगर मैं कहता कि एफ ऑफ एक्स इक्वल साइन एक्स है तो लिमिट एज एक्स गोज टू जीरो ऑफ एफ ऑफ एक्स विल इक्वल एफ ऑफ जीरो. और सिमिलरली कोसाइन एक्स के बारे में भी यही कह सकते हैं कि द लिमिट एज एक्स गोज टू जीरो ऑफ कोसाइन एक्स इज द सेम थिंग एज कोसाइन ऑफ जीरो. तो ये वही डेफिनेशन है जो कॉन्टीन्यूटी की लिए हमने इस्तेमाल की थी. तो अब हमने एक बड़े मजे का थ्योरम एक तरह से प्रूफ तो नहीं किया लेकिन उसकी मोटिवेशन डेवलप की है. और वो थ्योरम हम प्रूफ नहीं करेंगे, बस हम लिख देते हैं यहाँ पे. और वो थ्योरम है जनाब, ये आपके सामने है स्क्रीन पे, द फंक्शन साइन एक्स एंड कोसाइन एक्स आर कंटिन्यूस. अच्छा, तो ये थ्योरम तो हमने लिख दिया, इसको प्रूफ भी कर सकते हैं मेरे ख्याल से. तो इतना एक्चुअली कर तो सकते हैं जाहिर है, लेकिन बात ये है कि किया जाए या ना किया जाए. कभी कभी ऐसे होता है कि कुछ थ्योरम्स बड़े इन्वॉल्व होते हैं तो वी ट्राई टू अवॉइड देम, क्योंकि उनको प्रूफ करने के लिए काफ़ी ज़्यादा और डेवलप थ्योरी चाहिए होती है. जैसे इंटरमीडिएट वैली थ्योरम था पिछले लेक्चर का, हमने इग्नोर कर दिया था उसका प्रूफ, बट वी टुक इट फॉर ग्रांटेड. लेकिन ये जो थ्योरम मैंने अभी लिखा है कि साइन एक्स और कोसाइन एक्स दोनों कंटिन्यूस फंक्शन हैं, यानी दे आर कंटिन्यूस ऑन ऑल द रियल नंबर्स, तो वो हम प्रूफ कर सकते हैं. सो लेट्स प्रूफ दैट एक्चुअली. लेकिन इसको प्रूफ करने के लिए लिमिट की याद है आपको, कंटिन्यूटी प्रूफ करनी है हमें इन फंक्शंस की, तो एक डेफिनेशन थी. उस डेफिनेशन को मैं यहाँ लिख देता हूँ रिव्यू के तौर पे. लेट्स लुक एट द स्क्रीन. ये डेफिनेशन जो थी कंटिन्यूटी की जो हमने पिछले लेक्चर में देखी थी, वो ये थी कि ए फंक्शन एफ इज सेट टू बी कंटिन्यूस एट अ नंबर सी इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड. सबसे पहली कंडीशन थी कि एफ ऑफ सी इज डिफाइंड. Second condition was that limit as x goes to c of f of x exists, and condition c was that as x goes to c, a limit as x goes to c of f of x equals f of c. तो ये हम पहले भी देख चुके हैं और ये पहले भी कह चुका हूँ कि इस जो थर्ड कंडीशन होती है इस पूरी डेफिनेशन की, वो ही बेसिकली हमें चाहिए होती है, क्योंकि वो अगर ट्रू होगी तो पहली जो दो conditions में वो ऑटोमेटिकली पहले ही ट्रू होनी चाहिए. तो ये पार्ट थ्री हम इसमें इस्तेमाल करते हैं बेसिकली. अच्छा, अब यहाँ पे इसको डेफिनेशन को इस्तेमाल करने की बजाय हम एक थोड़ी सी नई डेफिनेशन देंगे. और यहाँ पे आप थोड़ी सी, आई होप यू विल अप्रिशिएट द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स, क्योंकि मैथमेटिक्स में अगर लॉजिक आपकी ठीक हो तो यू कैन गेट अवे बेसिकली विद एनीथिंग. तो यहाँ पे चूंकि हमारे फंक्शन साइन और कोसाइन जो इन्वॉल्व हैं वो थोड़े से यूनिक हैं एक तरह से, तो इनको प्रूफ करने के लिए हम इस डेफिनेशन के ज़रिए करना बहुत मुश्किल होगा मेरे ख्याल से, लेकिन हम एक थोड़ी सी मैनिपुलेशन कर सकते हैं जिसके ज़रिए हम कंटिन्यूटी प्रूफ कर सकते हैं इन दोनों थ्योरम फंक्शंस की. तो वो मैनिपुलेशन क्या है? वो मैनिपुलेशन बेसिकली इस डेफिनेशन की है कंटिन्यूटी की, एंड आई विल पुट इट ऑन द स्क्रीन एंड विल सी व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. इसमें ये नोट करें कि अगर मैं एक्स माइनस सी को डिफाइन करता हूँ एज एच, यानी मैं एक डेफिनेशन बना रहा हूं कि h इज इक्वल टू x माइनस c, तो लिहाजा यहां पे मैं लिख सकता हूं, इसका मतलब ये हुआ कि x जो है वो बराबर होगा h प्लस c के. जाहिर है मैं अगर c को दूसरी साइड पे ले जाऊं या सब ऐड कर दूं दोनों साइड पे, तो x की वैल्यू आ जाएगी h प्लस c. अच्छा, अब नोट कीजिए कि एज x गोज टू c, जो कि हमारी कंडीशन है डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में, तो ये इस ये जो मैंने अभी डिक्लेयर किए h equals x minus c और x equals h plus c, इनको मद्देनजर रखते हुए अब जो कंडीशन थी x goes to c वो equivalent हो जाएगी टू द रिक्वायरमेंट दैट h goes to 0. आई होप ये दिस मेक सेंस, यानी इस पर थोड़ा सा गौर कीजिए कि मैंने जो दो declarations की थी, यानी बताया था कि एक तरह की artificial एक मैंने क्रिएट की थी डेफिनेशन h equals x minus c और फिर x equals h plus c, इसको अगर मैं नोट करते हुए अपनी डेफिनेशन जो है कॉन्टिन्यूटी की इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकता हूँ. लेट्स गो टू द स्क्रीन एंड लुक एट इट, और होपफुली आपको थोड़ा समझ आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ. यहाँ पे देखिए कि x goes to c जो मैं कह रहा हूँ equivalent होगी टू द रिक्वायरमेंट दैट h goes to 0. यानी ये बेसिक सी बात है कि नोट करें कि अगर x जो है वो c की तरफ जा रहा है, तो पहली जो कंडीशन थी डिक्लेरेशन वो ये थी कि h was equal to x minus c. As x approaches c, well obviously x minus c approaches 0. Well okay, well that's fine, but remember that x minus c was equal to h, so basically h approaches 0, and that's exactly what I've written down on the screen. So ab ek nayi definition ek banata hu main continuity ki isi manipulation ko istemal karte hue, aur wo definition hai janab aapke samne, a function is continuous at the point c if the following conditions are met.
पहली वाली तो वही रहेगी जो थी, एफ ऑफ सी इज डिफाइंड. कंडीशन टू मॉडिफाई हो जाएगी यहाँ पे, ओरिजिनली जहाँ पे था कि लिमिट एज एक्स गोस टू सी ऑफ एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट, तो वहाँ पे नोट करें कि एक्स जो है वो एच प्लस सी की बराबर है, तो वो मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ एफ में, तो मेरे पास आ जाएगा एफ ऑफ एच प्लस सी. और अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि एक्स गोस टू सी की जो कंडीशन है वो इक्विवेलेंट है एच गोस टू जीरो के, तो मेरी सेकंड कंडीशन जो है डेफिनेशन की कंटिन्यूटी की वो थोड़ी सी मॉडिफाई हो जाती है और मेरे पास आ जाता है जनाब लिमिट एज एच गोस टू जीरो ऑफ एफ ऑफ एच प्लस सी एग्जिस्ट. एंड सिमिलरली यूजिंग द सेम मैनिपुलेशन माई थर्ड कंडीशन बिकम्स लिमिट एज एच गोस टू जीरो ऑफ एफ ऑफ एच प्लस सी इक्वल्स एफ ऑफ सी. तो ये अब एक नई कंडीशन, एक डेफिनेशन है कॉन्टीन्यूटी की, नई इस तरह से कि इसमें वेरिएबल्स चेंज हो गए. असल में तो अगर आप देखिए तो एसेंस तो वही है इसकी जो ओरिजिनल है, यानी इसमें थोड़े से मैंने मैनिपुलेशन करके अल्जेब्रिक एक नई तरह से लिख दिया है और इसको मैं इस्तेमाल करूंगा अपने थ्योरम को प्रूव करने में. एंड यू, आई होप यू अप्रिशिएट कि मैनिपुलेशन कितनी क्यूट सी थी, एक तरह से कह सकते हैं कि इट डिडंट टेक टू मच एंड ऑल ऑफ अ सडन योर डेफिनेशन लुक्स टोटली एलियन, लेकिन इफ यू आर फॉलोइंग व्हाट्स हैपनिंग इट्स द सेम थिंग, बेसिक आइडिया वही है. लेकिन अब आप और अप्रिशिएट करेंगे जब व्हेन आई एक्चुअली यूज दिस न्यू डेफिनेशन, सो कॉल्ड न्यू डेफिनेशन टू प्रूव माई थ्योरम. सो लेट्स प्रूव दैट. ये प्रूफ ऐसे शुरू करते हैं जी कि सबसे पहले तो हम असूम कर लेंगे कि वो जो हमने लिखा था कि लिमिट एज एक्स गोज टू जीरो ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो, ऑफ कोर्स हमने देखा कि वो वाकई ग्राफ को देख के हम कन्विंस हो गए थे कि ऐसे ही है. साथ में हम ये भी असूम कर लेते हैं कि लिमिट एज एक्स गोज टू जीरो ऑफ कोसाइन एक्स इक्वल्स वन. अच्छा जी, तो अब ये कह सकते हैं कि सबसे पहले तो ये कि अब हम जो थर्ड पार्ट होता है कॉन्टीन्यूटी की डेफिनेशन का, वही बेसिकली हमें इस्तेमाल करना है, क्योंकि जो हमने अजम्पशंस बनाई हैं इनसे साफ जाहिर होता है कि पहली दो जो कंडीशंस हैं कॉन्टीन्यूटी की वो मीट हो गई हैं, दे हैव बीन मेट एंड वी जस्ट हैव टू वर्क विद द थर्ड कंडीशन एंड शो दैट दैट इज ट्रू इन द केस ऑफ द फंक्शन साइन ऑफ एक्स. यानी यहाँ पे बेसिकली मैं प्रूव करूंगा दैट साइन ऑफ एक्स इज अ कंटिन्यूस फंक्शन और कोसाइन एक्स को मैं आपके लिए छोड़ दूंगा करने के लिए. तो लेट्स कंटिन्यू विद दिस वन. यहाँ पे अब मैं ये शो करना चाहता हूँ कि लिमिट एज एच गोज टू जीरो ऑफ साइन ऑफ सी प्लस एच इक्वल्स साइन ऑफ सी. यही थर्ड कंडीशन थी जो हमने अभी थोड़ी देर पहले लिखी थी स्क्रीन पे. तो अब यहाँ पे फंक्शन जो वहां पे लिखा था एफ ऑफ समथिंग समथिंग इक्वल्स एफ ऑफ सी, तो वो वहां पे जाहिर है एफ फंक्शन जो है वो हमारा साइन फंक्शन है, तो वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे. तो लेट्स प्रूव दिस एक्चुअली. अच्छा, आप देखिए कि लिमिट एज एच गोज टू जीरो ऑफ साइन ऑफ सी प्लस एच जो है इसको मैं लिख सकता हूँ एज द लिमिट एज एच गोज टू जीरो ऑफ दिस होल क्वांटिटी साइन ऑफ सी टाइम्स कोसाइन ऑफ एच प्लस कोसाइन ऑफ सी टाइम्स साइन ऑफ एच. अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या हुआ, राइट? आई मीन होपफुली बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है स्टूडेंट्स की जो ये सोच रही होगी. मोस्ट ऑफ यू आर ब्राइट स्टूडेंट्स, तो आप को शायद याद हो मेरे ख्याल से एफ एस सी में मैंने भी ये फार्मूले रटे थे. देर आर 54 ऑफ दिस फार्मूलाज दैट वी हैड टू मेमोराइज. हमारे टीचर थे, उन्होंने कहा था भाई जिसको 54 आते हैं उनको माफ़ कर दिया जाएगा, उनकी पूछगछ नहीं की जाएगी. लेकिन असल में आई थिंक देर आर अबाउट 85 और समथिंग फार्मूलाज इन ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज थी बेसिकली जो हमने मेमोराइज की थी. मैंने तो की थी, तो होपफुली आपने भी की होंगी. मेमोराइजेशन इज नॉट एग्जैक्टली अ वेरी गुड वे ऑफ लर्निंग मैथ, बट इट्स डेफिनेटली हेल्पफुल. अच्छा जी, तो अब ये तो हो गई आइडेंटिटीज, होपफुली आपको याद होंगी. तो लेट्स आई असूम दैट यू रिमेंबर देम एंड यू कैन एक्चुअली लुक देम अप इन अ बुक. और आगे चलते हैं इस प्रूफ को, एनी आइडेंटिटीज को इस्तेमाल करते हुए, यानी एक आइडेंटिटी को इस्तेमाल करते हुए हम इस प्रूफ को कम्प्लीट करते हैं. लेट्स गो टू द स्क्रीन. तो यहाँ पे मैंने लिखा था ये जी कि लिमिट एस एच गोस टू जीरो ऑफ साइन ऑफ सी प्लस एच, इसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया था एक्सपेंडेड फॉर्म में. अब यहाँ पे जो पुरानी चीज़ें हमने बिल्ड की हैं, जो रूल्स वगैरह देखे थे हमने प्रीवियस लेक्चर्स में अबाउट लिमिट रूल्स जिन्हें हम कहते थे, वो इस्तेमाल कर सकते हैं. तो यानी सम ऑफ फंक्शंस है हमारे पास ब्रैकेट्स में, उसका हम लिमिट ले रहे हैं, तो इट्स द सेम थिंग एज द सम ऑफ द लिमिट्स ऑफ ईच फंक्शन. तो यहाँ पे अब आ जाएगा हमारे पास लिमिट एज एच गोज टू जीरो ऑफ साइन ऑफ सी मल्टीप्लाइड बाय कोसाइन ऑफ एच प्लस द लिमिट एज एच गोज टू जीरो ऑफ कोसाइन सी टाइम्स साइन ऑफ एच.
इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं. नोट कीजिए कि लिमिट आप ले रहे हैं एज एच इज गोइंग टू जीरो. तो फॉर ऑल अदर पर्पजेज, यानी फॉर ऑल पर्पजेज एक्चुअली, साइन ऑफ सी जो है इट्स गोइंग टू बी अ कॉन्स्टेंट नंबर, क्योंकि सी जो था वो एक नंबर था. साइन ऑफ सी इज ऑल्सो अ नंबर. तो इसमें वेरिएबल कोई नहीं, क्योंकि वेरिएबल जो है वो एच है. तो ये कॉन्स्टेंट नंबर आप लिमिट से बाहर ले जाइए. यू हैव नाउ साइन ऑफ सी टाइम्स द लिमिट एज एच गोज टू जीरो ऑफ कोसाइन एच. और यही चीज जो लिमिट से बाहर ले गया था मैं साइन सी को, वही चीज मैं कर सकता हूँ कोसाइन सी के साथ इन द नेक्स्ट पार्ट. तो वो हो जाएगा कोसाइन सी मल्टीप्लाइड बाय लिमिट एज एच गोज टू जीरो ऑफ साइन ऑफ एच. अब यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन हो जाती है आराम से, कि साइन ऑफ सी तो वैसे ही रहेगा, लिमिट एज एच गोज टू जीरो ऑफ कोसाइन एच जो है वो हम देख चुके हैं, जूम किया था हमने कि ये होगा वन के बराबर, तो वो वन की वैल्यू आ गई. हमने ये भी असूम किया था कि लिमिट एज एच गोज टू H goes to zero of sine of h was equal to zero, तो वो वैल्यू वहां पे आ जाएगी. और सिंप्लीफाई करने के बाद रिजल्ट आता है जस्ट sine of c. तो ये जनाब आपका हो गया प्रूफ कंप्लीट के जो आपका sine x फंक्शन है वो कंटिन्यूस है. यहाँ पे वही बात थी कि c was some real number, तो आपने बेसिकली ये शो कर दिया इट्स कंटिन्यूस एवरीवेयर, यानी इट्स कंटिन्यूस बेसिकली. और आपने एक मॉडिफाइड डेफिनेशन इस्तेमाल की थी of continuity to prove this. So yeah, I hope you appreciate the whole manipulation that was involved and the whole process. Yani aapne sine function ki kuch properties jo identities thi jo hame yaad karni padti thi bachpan mein, jo hope mere khayal se aap log sochte honge bhai ye kya musibat hai, main to ye sochta tha, lekin now we see that they were useful. Of course they are. So we applied them and we have got a theorem proved. So let's move on. अच्छा जी, तो अब कोसाइन एक्स, ऑफ कोर्स आई लेट यू प्रूव दैट द कॉन्टिन्यूटी ऑफ दैट. अब हम आगे चल रहे हैं, तो इसमें अब देखते हैं कि कॉन्टिन्यूटी ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, मिसाल के तौर पे टेंजेंट ऑफ एक्स, और इसके अलावा और क्या है, इसके अलावा सीकेंट एक्स है और इसके अलावा कोसीकेंट एक्स भी है. तो ये इन सब की कॉन्टिन्यूटी भी हम देखना चाहेंगे. तो कैसे देख सकते हैं, बड़े आराम से. लेट्स कंसिडर टेंजेंट ऑफ एक्स. आपको अगर याद है, होपफुली होना भी चाहिए वरना रिव्यू कर लें, कि टेंजेंट ऑफ एक्स जो है वो बराबर होता है साइन एक्स डिवाइडेड बाय कोसाइन एक्स के. यानी आप फर्दर एक रेशियो बना सकते हैं साइन एक्स और कोसाइन एक्स की, टर्न्स आउट टू बी अ न्यू फंक्शन टेंजेंट एक्स. तो इसकी टेंजेंट एक्स की डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ साइन और कोसाइन से बड़ा आसान हो जाता है इसकी कंटिन्यूटी डिटरमिन करना, क्योंकि अब हम इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ लिमिट थ्योरम्स और कुछ जो मतलब जो रैशनल फंक्शंस पे हमने अप्लाई किए थे. सो लेट्स लुक एट द स्क्रीन एंड सी व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. यहाँ पे हम मालूम करना चाहते हैं टेंजेंट ऑफ एक्स की कंटिन्यूटी, एंड द फंक्शन टेंजेंट एक्स इक्वल साइन एक्स डिवाइड बाय कोसाइन एक्स. तो अगर थ्योरम 2.7.3 आपको याद है, या आप याद ना हो तो आप बुक में देख लीजिए, तो उसमें यह है कि अगर एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स कंटिन्यूस फंक्शंस हैं, तो हम कह सकते हैं कि इनकी इनका कोशन जो होगा, इनकी जो रेशो होगी वो भी कंटिन्यूस फंक्शन होगी, एक्सेप्ट फॉर द प्लेस वेयर द बॉटम फंक्शन जी ऑफ एक्स इज जीरो. तो अब नोट कीजिए कि टेंजेंट एक्स इज ऑफ कोर्स ए रेशियो ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शंस. एक को तो हमने अभी प्रूफ किया साइन एक्स को, कोसाइन एक्स भी है असूम कर रहे हैं, आपने शायद होपफुली प्रूफ कर लिया अभी तक. लिहाजा हम कह सकते हैं कि टेंजेंट एक्स विल बी ए कंटिन्यूस फंक्शन, और वी कैन से दैट इट्स कंटिन्यूस एवरीवेयर. आई एम सॉरी, इट्स नॉट गोइंग टू बी अ कंटिन्यूस फंक्शन, इट विल बी कंटिन्यूस एवरीवेयर एक्सेप्ट एट द प्लेसेस वेयर द बॉटम फंक्शन नेमली कोसाइन एक्स विल इक्वल जीरो. और यहाँ पर थोड़ी सी रिकॉल करनी होगी कोसाइन एक्स के फंक्शन के कुछ प्रॉपर्टीज. वो ये हैं कि जनाब जब एक्स होगा प्लस या माइनस पाई ओवर टू, और इफ एक्स इज इक्वल टू थ्री प्लस और माइनस थ्री पाई डिवाइडेड बाई टू, और इफ एक्स इक्वल्स प्लस और माइनस फाइव पाई ओवर टू, और इन जनरल इफ एक्स इक्वल्स के मल्टीप्लाइड बाय पाई ओवर टू प्लस माइनस के डिवाइड के पाई ओवर टू, वेयर के इज एन ऑड नंबर, कोसाइन एक्स विल इक्वल जीरो. सो दीज विल बी द प्लेसेस वेयर कोसाइन एक्स विल बी इक्वल टू जीरो, एंड दैट्स एग्जैक्टली वेयर द फंक्शन टेंजेंट एक्स विल बी डिसकंटिन्यूस, एंड एवरीवेयर एल्स विल बी कंटिन्यूस. सिमिलरली हम कोटेंजेंट एक्स की बात कर सकते हैं. वेल दैट इफ यू रिमेंबर इज द सेम थिंग एज कोसाइन एक्स ओवर साइन एक्स. सीकेंट एक्स जो है वो वन ओवर कोसाइन एक्स होता है, कोसीकेंट एक्स जो होता है वन ओवर साइन एक्स होता है. तो ऑब्वियसली नाउ वी कैन यूज द सेम आइडिया एज वी डिड अ मिनट अगो एंड डिटरमिन द कॉन्टिन्यूटी और द पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ दीज थ्री फंक्शंस ऑल्सो. एंड वी कैन सी दैट दीज फंक्शंस आर ऑल कंटिन्यूस ऑन अप्रोप्रिएट इंटरवल्स
using this continuity of sine and cosine x functions. So basically, आपने जो बाकी जो हैं आपके functions trigonometric, इनकी continuity आपने derive किए by using the continuity of sine and cosine functions. तो वो दरअसल again a very elegant way of you know doing your mathematics. तो एक जो point है कॉशियसनेस का वो ये है कि ये जो फंक्शंस हैं ये डिसकंटिन्यूस होंगे उन जगहों पे जहाँ पे बॉटम फंक्शंस जीरो के बराबर होंगे. तो वो आप डिटरमिन कर लीजिए कहाँ पे. सीधी सी बात है, वन ओवर सीकेंट की बात करते हैं, वन ओवर कोसाइन एक्स है, तो जहाँ जहाँ कोसाइन एक्स जीरो होगा, अभी हमने देखा कहाँ होगा, उन्हीं पॉइंट्स पे सीकेंट एक्स भी डिसकंटिन्यूस होगा एंड एवरीवेयर एल्स इट विल बी कंटिन्यूस. तो ये आपका हो गया कॉन्टीन्यूटी ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. And basically, we are done with the continuity of trigonometric functions so far. तो आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या है आज के लेक्चर में. अच्छा जी, next topic हमारा है जो really interesting topic है. It's interesting, it's a little bit intimidating, but not that bad actually. It's the squeeze theorem या squeezing theorem जिसे हमने कहा था शुरू में कि हम इसकी बात करेंगे. तो इसको देखते हैं और इसका थ्योरम के बारे में थ्योरम भी लिखेंगे अभी क्या है, देखेंगे क्या है, लेकिन इसका मकसद क्या है. इसका मकसद बेसिकली ये है कि कई बार आपके कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जिनका लिमिट मालूम करना बड़ा मुश्किल होता है, यानी इनको वैल्यूएट करना काफ़ी मुश्किल होता है. तो आप ऐसा करते हैं, ये करते हैं कि आप कोई दो ऐसे फंक्शंस लेते हैं जो एक फंक्शन को बाउंड कर रहे हैं, यानी आपका जो गिवन फंक्शन है जिसका लिमिट मालूम आप करना चाह रहे हैं वो कन्फाइंड है बाय टू फंक्शंस ऑन द लेफ्ट एंड द राइट, और फिर आप उन आउटर फंक्शंस का लिमिट लेते हैं एंड यू कैन एक्चुअली काइंड ऑफ स्क्वीज द मिडिल फंक्शन इन बिटवीन दोज लिमिट्स राइट एंड गेट द लिमिट ऑफ द मिडिल वन. तो ये सारा इसका मकसद होता है स्क्वीज थ्योरम का. इसकी डिटेल देखते हैं थोड़ी सी. तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये देखिए कि मैं दो पिक्चर्स हैं यहाँ पे इन फंक्शंस की, यानी साइन एच साइन ऑफ एक्स डिवाइड बाई एक्स जो था पहला फंक्शन उसका ग्राफ बना हुआ है, और दूसरा ग्राफ जो है वो है जनाब फंक्शन का 1 माइनस कोसाइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स का. तो इससे अगर आप ग्राफ से देखें तो इंट्यूटिवली ये सजेस्ट करते हैं ग्राफ कि जो लिमिट्स वही हैं जो हम चाहते हैं उनको होना, यानी पहले वाले का लिमिट जो है 1 होगा एज एक्स गोज़ टू 0, और दूसरे वाले का होगा लिमिट 0 जो हम चाहते हैं ऑफकोर्स कि वो हो. तो यानी एक तरह से इंट्यूटिवली तो हमने डिवेलप कर लिया, अब इसको हम प्रूफ करना चाहेंगे. तो वही मैंने जैसे पहले कहा था कि डेल्टा एप्सिलॉन प्रूफ तो काफ़ी मुश्किल होगा, लेकिन हम स्क्वीज थ्योरम इस्तेमाल करके इसको करेंगे. अच्छा, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, लाइक मतलब ये कि व्हाई कांट वी एक्चुअली प्रूव दिस इन सम सिंपल वे. उसकी प्रॉब्लम ये है, इसको यहाँ लिख लेते हैं ऑन द स्क्रीन एज दी प्रॉब्लम. प्रॉब्लम जो है वो ये है कि एज एक्स गोज टू जीरो बोथ द टॉप एंड द बॉटम फंक्शंस गो टू जीरो. ये जाहिर सी बात है, इसमें देख लीजिए फंक्शंस आपके सामने हैं, और इसमें ये देखें कि साइन एक्स जो है वो साइन एक्स गोज टू जीरो मीन्स दैट द फ्रैक्शन एज अ होल गोज टू जीरो. जाहिर सी बात है कि अगर टॉप वाला फंक्शन जीरो को अप्रोच कर रहा है तो द होल फ्रैक्शन इज गोइंग टू अ जीरो. लेकिन इसके साथ साथ एक और प्रॉब्लम ये है कि एक्स गोज टू जीरो मीन्स दैट द फ्रैक्शन एज अ होल गोज टू पॉजिटिव इन्फिनिटी. क्या मतलब हुआ, यानी कि जो पहला फंक्शन हमने देखा था साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स, इसमें x अगर जीरो अप्रोच कर रहा है तो टॉप की साइड पे आपकी टॉप का जो फंक्शन है उसमें वैल्यूज आपकी आ रही हैं साइन ऑफ जीरो की, यानी x जो है वो जीरो के करीब आ रहा है तो आप साइन ले रहे हैं उन वैल्यूज का जो जीरो के बहुत करीब हैं. तो साइन ऑफ जीरो क्या होता है, जीरो. सो यू आर अप्रोचिंग वेरी क्लोज टू ऑन द टॉप टू जीरो, बट एट द बॉटम इज जस्ट x राइट. तो x चूंकि जीरो जा रहा है तो बॉटम भी जीरो पे जा रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि डिविजन बाय जीरो अकर हो रही है एंड एज अ होल द फ्रैक्शन गोज टू positive infinity, whereas the top part is going to zero, which means that the fraction as a whole is going to zero. तो यहाँ पे कुछ एक tussle से चल रही है between the top and the bottom. तो इसको कैसे how would we basically ये मतलब कैसे हम खत्म करेंगे इस problem को. So let's go to the screen and continue with this. तो ये जो basically tussle जो हो रही है top function और bottom function की, इसको कैसे आप वो करेंगे, यानी How would you resolve it? यानी basically मकसद ये है कि ऊपर जो एक जो फंक्शन है वो कुछ कह रहा है, जो बॉटम का फंक्शन है वो कुछ कह रहा है. तो यानी एक तरह की आप वो पता नहीं आप लोगों ने स्टार वॉर्स मूवी देखी है कि नहीं, यकीनन देखी होगी. अभी रिसेंटली उसका एक पार्ट आया था स्टार वॉर्स की, जो एक नई सीक्वल बन रही है. ओरिजिनल जो थी वो मैंने बचपन में देखी थी, 70s की मूवी है बनी हुई, उसमें वो थी रिटर्न ऑफ द जेडाई वगैरह और एम्पायर स्ट्राइक्स बैक, आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू हैव सीन इट. उसमें एक फोर्स होता था राइट, रिमेंबर दैट, कि देयर वाज अ फोर्स दैट परमिएटेड ऑल ऑफ द यूनिवर्स, और जो आपका हीरो था ही वुड यूज दैट फोर्स
फॉर गुड पर्पजेज, वेयर एज द ईवल पीपल द विलन्स वुड यूज द डार्क साइड ऑफ द फोर्स. तो एक तरह की गुड साइड ऑफ द फोर्स थी और एक डार्क साइड ऑफ द फोर्स. तो मेरे जहन में एकदम ये आता है कि जो टसल चल रही है ऊपर और नीचे वाले फंक्शन की, इट्स बेसिकली अ फाइट बिटवीन द डार्क साइड एंड द गुड साइड ऑफ द फोर्स. तो इस तरह से भी देख सकते हैं, आई थिंक इट बिकम्स मोर फन. तो आपको ये किसी तरह रिजॉल्व करनी है, दिस वॉर बिटवीन द गुड साइड एंड द डार्क साइड ऑफ द फोर्स. मेरे एक टीचर थे, उनका मैंने पहले भी जिक्र किया था, स्टीव ब्लाइलर, जब मैं अमेरिका में था. तो उनका ये कहना था, ही वाज अ टोपोलॉजिस्ट. टोपोलॉजी एक फील्ड होती है मैथमेटिक्स की, और एक और फील्ड होती है एनालिसिस. तो हिम बीइंग अ टोपोलॉजिस्ट, ही यूज्ड टू से के, वो कह रहे थे कि जी आज आप टोपोलॉजी की क्लास में बैठे, सो ही यूज्ड टू से दैट ही वुड ट्राई टू ब्रिंग अस टू द गुड साइड ऑफ द फोर्स अवे फ्रॉम द डार्क साइड व्हिच ही कॉल्ड एनालिसिस. तो खैर, इट्स अ मैथमेटिकल जोक, आई डोंट नो, आई होप सम पीपल कैन अप्रिशिएट दैट, बट दैट्स द काइंड ऑफ थिंग वी वॉन्ट टू डू. वी वॉन्ट टू नॉट टेक अवे पीपल फ्रॉम द गुड साइड और द डार्क साइड, वी वॉन्ट टू रिजॉल्व द इशू. सो लेट्स सी इफ वी कैन डू दैट. यहाँ पे अब देखिए स्क्रीन पे कि अब हमारे पास व्हाट कैन वी डू बेसिकली. ये हम ये कर सकते हैं कि हम स्क्वीज थ्योरम लिख देते हैं पहले, और फिर कुछ देखते हैं कि कैसे रिजॉल्व की जाए सारी बात. स्क्वीज थ्योरम जो है आपका, वो बेसिकली आपके सामने स्क्रीन पे है, इसको मैं पढ़ देता हूँ. ये है जनाब के, लेट एफ जी एंड एच बी फंक्शंस सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी, एफ ऑफ एक्स इज बिटवीन जी ऑफ एक्स एंड एच ऑफ एक्स. For all x in some open interval containing the point A, with the possible exception that the inequalities need not hold at A. If g and h have the same limit as x approaches A, we will write that as limit as x goes to A of g of x equals limit of h of x as x goes to A equals L. Then f also has this limit as x approaches A, that is limit as x goes to A of f of x equals L. तो ये जनाब आपका हो गया स्क्वीज थ्योरम. अब इसको मकसद सिर्फ कहने का ये है कि अगर कोई फंक्शन बाउंडेड है, जैसे पहले भी मैंने कहा था, बिटवीन टू फंक्शंस, तो आप उसका लिमिट एवेल्युएट कर सकते हैं बाय एवेल्युएटिंग द लिमिट्स ऑफ द फंक्शंस दैट आर बाउंडिंग इट. तो ये एग्जांपल है, हियर इज एन एग्जांपल. वी वांट टू फाइंड द लिमिट एज एक्स गोज टू जीरो ऑफ द फंक्शन एक्स स्क्वेयर टाइम्स साइन स्क्वेयर्ड ऑफ वन ओवर एक्स. तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये नोट कीजिए कि साइन एक्स जो होता है, इट्स अ फंक्शन एंड इट्स कन्फाइंड बाय द वैल्यूज जीरो एंड वन. ऑब्वियसली अगर आप साइन एक्स का ग्राफ देखें, इट विल बिकम ऑब्वियस. सो यूजिंग दिस इनइक्वालिटी, वी कैन सर्टनली से दैट साइन स्क्वेयर ऑफ एक्स जो होगा, दैट्स ऑल्सो कन्फाइंड बाय जीरो एंड वन, ऑफकोर्स बिकॉज इफ सम नंबर इज बिटवीन जीरो एंड वन, सो इज इट स्क्वेयर. अच्छा, अगर साइन एक्स जो है वो जीरो और वन के दरमियान है, तो सर्टनली वी कैन से दैट साइन स्क्वेयर ऑफ एक्स इज गोइंग टू बी बिटवीन जीरो एंड वन. जाहिर सी बात है, जो नंबर जीरो और वन के दरमियान है उसका स्क्वायर भी उसके दरमियान होगा, क्योंकि दैट नंबर मस्ट बी अ फ्रैक्शन. और सर्टनली इसी को इस्तेमाल करते हुए हम कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर ऑफ वन ओवर एक्स इज गोइंग टू बी बिटवीन जीरो एंड वन. आई होप यू आर कन्विंस्ड ऑफ दैट. कुछ वैल्यूज भी ट्राई कर लीजिए एंड यू कैन सी दैट दिस इज ट्रू. अच्छा, अब यहाँ पे सिर्फ इतना सा करना है कि आपने ये जो इनइक्वालिटी थी आखिरी वाली, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए थ्रू आउट बाय एक्स स्क्वायर एंड यू गेट जीरो is less than equal to x square times sine square of 1 over x is less than equal to x square. ज़ाहिर है आपने throughout multiply किया है तो ये result आता है. लेकिन अब note करें कि अगर आप limit लेते हैं of 0 as x goes to 0, वो होगा 0, ज़ाहिर सी बात है, 0 is a constant number. Similarly, limit as x goes to 0 of x square जो है वो भी 0 होगा, क्योंकि x square एक polynomial है. तो आपने बेसिकली क्या किया, आपने जो लिमिट अगर आप लें इस पूरी इनइक्वालिटी का थ्रू आउट इन अ सेंस, तो आपने बेसिकली जो मिडिल फंक्शन है उसके लिमिट को स्क्वीज कर दिया है बिटवीन द लिमिट्स ऑफ द आउटर फंक्शंस. तो आपका रिजल्ट बेसिकली बाय द स्क्वीजिंग थ्योरम आ जाता है कि लिमिट इज एक्स गोज टू एक्स स्क्वेयर साइन स्क्वेयर ऑफ वन ओवर एक्स इक्वल्स जीरो. अच्छा जी, तो ये तो हमने प्रूफ कर लिया, एक बड़ा एलिगेंट तरीके से हमने प्रूफ किया यूजिंग द स्क्वीज थ्योरम. और ये अगर आप डेल्टा एप्सिलॉन डेफिनेशन इस्तेमाल करते इस फंक्शन पे, ये लिमिट मालूम करने के लिए इस फंक्शन का, दैट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट. तो अब ऐसा करते हैं कि ओरिजिनल हमने अभी तक अपनी प्रॉब्लम जो थी, जो हम दो लिमिट्स प्रूफ करना चाह रहे थे वो नहीं किए, उनको प्रूफ करते हैं. पहला तो ये था कि लिमिट एज एच एज एक्स एक्स गोज टू जीरो ऑफ साइन एक्स ओवर एक्स इक्वल्स वन. लेट्स वर्क ऑन दैट नाउ. तो यहाँ पे इनको प्रूफ करने से पहले कुछ बेसिक फैक्ट्स मैं लिखूंगा अभी स्क्रीन पे. अबाउट
basic trigonometry and geometry, yani areas of sectors and stuff like that. So let me write it down on the screen for you. इसको अपने जो हमने प्रूफ करना था थ्योरम, उसको प्रूफ करने के लिए बेसिक फैक्ट्स ये हैं जनाब के, जो हम इस्तेमाल करेंगे वो बेसिकली इन्वॉल्व करेंगे अबाउट सर्कल्स एंड एरियाज ऑफ सेक्टर्स, यानी सेक्टर क्या चीज़ होती है, इट्स पार्ट ऑफ अ सर्कल और विद अ सेंट्रल एंगल थेटा, रेडियंस एंड रेडियस आर. तो यहाँ पे एक पिक्चर मैं बनाता हूँ. वी हैव अ सर्कल एंड विच हैज अ रेडियस आर एंड इनसाइड दैट देयर इज अ सर्टेन एंगल ऑफ थेटा रेडियंस. Drawing out a sector which is part of a circle. Ab question ye hota hai ki what is the area of a sector? Uska jawab ye hai janab ki area jo hai wo hota hai a equals 1/2 r square theta. To ab ye fact maine likh diya hai, isi fact ko istemal karte hue plus the squeeze theorem we will finally prove what we started to prove. Basically limit as x goes to 0 of sin x over x equals 1. So let's do that. तो ये जनाब आपके सामने थ्योरम के फॉर्म में मैं लिखता हूँ इसको. वी हैव टू प्रूव द थ्योरम दैट लिमिट एज एक्स गोज़ टू जीरो ऑफ साइन एक्स डिवाइड बाय एक्स इज इक्वल टू वन. सो लेट्स स्टार्ट प्रूविंग इट. लेट्स से दैट एक्स, लेट्स कंसीडर एक्स टू बी अ नंबर सच दैट इट्स बिटवीन जीरो एंड पाई ओवर टू. ये इसकी क्या वजह है कि हमने ये किया, इसकी वजह सिर्फ ये है कि लाइफ थोड़ी सी आसान हो जाती है, इट बिकम्स ईजियर टू प्रूव थिंग्स. आखिर में मतलब ये है कि पहले हम इसको ऐसे असूम करेंगे कि एक्स इस डोमेन में है, इस इंटरवल में है, इसका जो बाकी हिस्सा है वो हम असूम कर सकते हैं और सिमिलर आर्ग्यूमेंट से जो अभी हम देखेंगे हम बाकी चीज़ें भी प्रूफ कर सकते हैं. यानी अगर मैं आपसे कहूं कि जनाब एक्स इज़ बिटवीन माइनस पाई ओवर टू एंड जीरो, वी कैन बेसिकली मॉडिफाई द प्रूफ वील सी इन अ मिनट टू वर्क फॉर दैट डोमेन ऑल्सो. सो लेट्स वर्क विद दिस वन फॉर नाउ. अच्छा, ये हमने एक्स असूम कर लिया. अब लेट्स कंस्ट्रक्ट द एंगल एक्स इन द स्टैंडर्ड पोजिशन स्टार्टिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ यूनिट सर्कल. सो वी हैव द फॉलोइंग पिक्चर. आपके सामने एक सर्कल बन, एक ओरिजिन पॉइंट है, बिगिनिंग पॉइंट, इसको जीरो लिख देते हैं या ओ लिख दें. और यहाँ से हम ये एक तीन पिक्चर्स बनाते हैं बेसिकली एंड आई लेबल सम पॉइंट्स ऑन इट एंड आई होप एंड आई एम प्रीटी श्योर दैट यू कैन सी व्हाट्स गोइंग ऑन विद दीज पिक्चर्स. यहाँ पे इन पिक्चर्स में देखिए कि फ्रॉम दीज पिक्चर्स वी कैन कंक्लूड द फॉलोइंग थिंग्स. इस पिक्चर में क्या क्या है, इसके अंदर दो राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं और एक सेक्टर है और कुछ एंगल्स हैं. तो फ्रॉम दिस पिक्चर वी कैन बेसिकली कंक्लूड दैट एरिया ऑफ द ट्राइंगल ओ बी पी इज बिगर देन जीरो, और बेसिकली आई एम सेइंग दैट इज जीरो इज लेस देन एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी पी एंड दैट इन टर्न इज लेस देन द एरिया ऑफ द सेक्टर ओ बी पी विच इज इन द पिक्चर एंड दैट इन टर्न इज लेस देन द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ओ बी क्यू. तो ये एक तरह की हमारे पास क्वाड्रुपल टाइप की एक इनइक्वालिटी बन गई है, विच इज सर्टनली ट्रू. यू कैन कंक्लूड दिस फ्रॉम द पिक्चर. नाउ वी ऑल्सो हैव दैट हम ये एरियाज मालूम कर सकते हैं, यानी एरिया ऑफ द ट्राइंगल ओ बी पी इज जस्ट गोइंग टू बी 1/2 मल्टीप्लाइड बाय बेस टाइम्स हाइट ऑफ दैट ट्राइंगल एंड वी नो दैट बिकॉज वी हैव लेबल्ड दोज पॉइंट्स एंड दोज सम पॉइंट्स ऑन द ऑन द पिक्चर्स एंड दोज पॉइंट्स डिटरमिन द बेस एंड द हाइट एंड रेडियस एंड द एंगल ऑफ दीज pictures, the triangles, right angle triangles we have in the pictures. So basically we have the fact that this area of triangle OBP will equal 1/2 multiplied by 1, which is its base, and multiplied by sin x, which is the height of that triangle, and that's just going to be 1/2 sin x. Ab hum area of sector OBP agar malum karein, again uska formula hota hai 1/2 r square theta. Theta hamara angle hai x, jo humne assume kiya tha. और इसके साथ हम रेडियस जो हमारा वो है 1, सो वी गेट बेसिकली 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1 स्क्वायर टाइम्स एक्स व्हिच टर्न्स आउट टू बी जस्ट 1/2 एक्स. अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी क्यू मालूम करना है, दैट्स जस्ट गोइंग टू बी 1/2 टाइम्स 1 टाइम्स टेंजेंट एक्स व्हिच इज गोइंग टू इक्वल 1/2 टेंजेंट ऑफ एक्स. सो वी कैन री राइट आर क्वाड्रुपल जो इनइक्वालिटी थी एक तरह की, वो हम लिख सकते हैं एज 0 इज लेस देन 1/2 साइन एक्स which is less than 1/2 x, which is less than 1/2 tangent x. Multiply throughout by 2 over sin x. That'll give you 1. Achha, yahan pe basically, main 0 ko ab ignore kar dunga because no matter what I multiply 0 with, I'll always get 0. So I might as well stop considering it. But what I will do is when I multiply the rest of the stuff by 2 over sin x, I get 1 is less than x over sin x,
is less than 1 over cosine x. And now if I take reciprocals, I will get cosine x is less than sine x over x, which is less than 1. So basically, ab mere paas I have some good news, because now in that last inequality, I have my function that I am trying to work with, sine x over x. So ab yahan pe, aur dekh lijiye ki sine x over x jo hai, now it's confined by two functions. So now we can apply the squeeze theorem, right? That is how the squeeze theorem works. So let's do that. Let's go back to the screen. अब देखिए कि अच्छा यहाँ पे अब क्या होगा, यानी अब हमें बेसिकली लिमिट लेना है. तो what we can do is now take the limit as x goes to 0 throughout the inequality. On the left hand side we had the function cosine x. So if I take the limit of that as x goes to 0, I get 1. This is one of the suppositions we made. Similarly, if I take the limit as x goes to 0 of just the function 1, it's a constant, it's always going to be the same thing, 1. So I have basically the inequality that limit as x goes to 0 of sine x over x is between 1 and 1. Therefore, the limit must be 1. Yani aisa koi number hai ye jo 1 se bada bhi hai aur 1 se chota bhi hai. Well, that number must be 1. So now basically using the squeeze theorem, I have shown the limit of sine x over x as x goes to 0 equals 1. अच्छा अब दूसरा पार्ट जो था वो था कि लिमिट एज x goes to 0 ऑफ 1 माइनस कोसाइन x ओवर x इक्वल 0. वेल गेस व्हाट, आई एम श्योर यू हैव गेस्ड इट बाय नाउ. आई लीव इट टू यू एंड आई थिंक आई सेड इट बिफोर आल्सो. आई लीव इट टू यू टू प्रूव दैट योरसेल्फ्स यूजिंग द सेम काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट. तो दैट्स बेसिकली एज फार एज वी विल टॉक अबाउट इन स्क्वीज थ्योरम बेसिकली. And let's see what else we have to. One more thing to talk about very quickly. Limits of sine and cosine functions as x goes to positive or minus infinity. Let me put some stuff on the screen for you. So, ye jo graph ab hai aapke samne screen pe, inko dekh lete hain. It's pretty obvious in graphs ko dekh ke. Yani ab jo hum limits ki baat kar rahe the of sine x and cosine x as x went to plus or minus infinity, usme koi khas proof agar nahi karenge. Kuch intuitive si baat karte hain ki let's just look at the graphs and conclude what those limits should be if they exist. Well, if you look at the graphs right here on the screen, here's the graph of sine x, here's the graph of cosine x. Ab note kijiye ki jaise x positive infinity ki taraf jata hai, to aapki jo y values hain from the graphs, in the case of both the graphs of the functions as sine x and cosine x, aapki y values oscillate karti hain between 1 and minus 1. To yani jab oscillate karti hain values, तो हम क्या कहते हैं कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. सो बेसिकली वी कंक्लूड दैट द लिमिट एज एक्स गोज टू पॉजिटिव इन्फिनिटी ऑफ साइन एक्स डज नॉट एग्जिस्ट एंड लिमिट एज एक्स गोज टू पॉजिटिव इन्फिनिटी ऑफ कोसाइन एक्स डज नॉट एग्जिस्ट. सिमिलरली अगर एक्स नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो क्या हो रहा है, सेम बिहेवियर, यानी आपकी जो वाई वैल्यूज हैं वो ऑसिलेट कर रही हैं बिटवीन 1 एंड माइनस 1 एंड वी कैन कंक्लूड दैट एक्स that as the limit as x goes to minus infinity of sine x does not exist, and lastly the limit as x goes to minus infinity of cosine x does not exist. So ye aakhri topic tha hamara aaj ke lecture ka. So that's taken care of aur yahan pe hum khatam kar dete hain lecture apna. So this is basically also the end of chapter 2 as far as your book goes. So yahan pe basically ab next jo hum shuru karenge lectures wagaira और बातचीत, तो हम डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव्स की बात करेंगे और थिंग्स विल गेट मच मोर एक्साइटिंग. सादा एप्लीकेशंस देखेंगे मैथमेटिक्स की. थोड़ी सी थियोरेटिकल थी यहाँ पे, बट वाज नेसेसरी. चैप्टर 1 और चैप्टर 2 जो बुक्स के हैं विच कंप्राइज द लास्ट 13 लेक्चर्स, बेसिकली वाज थियोरेटिकल एंड वी नीडेड दोज टू वर्क विद मच मोर एक्सॉटिक स्टफ लेटर ऑन. तो होपफुली दिस मेड सेंस. एंड आप ईमेल करिएगा मुझे अगर कोई प्रॉब्लम हो, एंड डेफिनेटली डू द होमवर्क एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़.